नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के बारे में कि आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए या नहीं, और जो इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का जो है सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको जो है गाइज क्लियर करके देंगे। तो गाइज़, अगर आप जो इस शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा हम आपको जो है गाइज ए टू जेड क्लियर कर देंगे। तो चलिए गाइस, स्टॉक का जो है टेक्निकल और जो है फंडामेंटल एनालिसिस जो है शुरू करते हैं, और आपको जो है पूरी तरह से जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है करके देते हैं गाइस। तो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के बारे में, शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो क्या इंडिकेट करें, और यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम बन रहा था। आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स में जो है आज हमें उतनी कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे हमें आप जो देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, और एक वीक सेंटीमेंट और एक वीक ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने जो उतना कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। यहाँ पे जो एक रेंज बाउंड मोमेंटम और एक रेंज बाउंड रैली है, पिछले एक महीने में स्टॉक जो है 12-13% उछला है, और पिछले एक महीने में जो है तकरीबन स्टॉक जो है एक साल में इसने आपको क्या शानदार रिटर्न बना के दिया और क्या शानदार इसमें रैली बनी। तो आप देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया का काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, कोई भी कमी आपको जो इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में बहुत तगड़े रिटर्न बना के देगा, और बहुत तगड़ी तेज़ी आपको जो है इस शेयर में देखने को मिलेगी। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में जो है 800 से 900 का होके रहेगा गाइस। कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी बढ़िया है, फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी बढ़िया। आप इसके यहाँ पे जो है फंडामेंटल्स देख सकते हैं कितने बढ़िया फंडामेंटल्स हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर वगैरह जो है कंपनी को कितने बढ़िया, मार्केट कैप वगैरह जो है वो कितनी बढ़िया, पी रेशियो वगैरह कितनी बढ़िया, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ कितनी बढ़िया, प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी कितनी बढ़िया, और नेटवर्थ आप देख सकते हैं कंपनी कितनी बढ़िया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कंपनी की कितनी बढ़िया है, कोई भी कमी नहीं है शेयर होल्डिंग एलोकेशन में। तो कल्याण ज्वेलर्स में आप लोग जो है बैठिए, और 800 से 900 प्लस के टारगेट के लिए आप जो इस शेयर में बैठिए, कोई भी कमी आपको जो इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है 800 से 900 प्लस के टारगेट देखने को मिलेंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो कल्याण ज्वेलर्स का Q2 का रेवेन्यू है वो जो है रोबस्ट रहा है, जो स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रही है, और ज्वेलरी डिमांड भी इंडिया में काफ़ी, और अब तो जो है क्या बोलते हैं आपको पता है फेस्टिव सीज़न आ रहा है जिसमें और डिमांड रहेगी। तो अभी सही मौका है गाइस कल्याण ज्वेलर्स में पोजीशंस बनाने का, बेफिक्र के आप इसमें पोजीशंस बनाइए, आपको जो है इस शेयर में 800 से 900 प्लस के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसका चार्ट सेटअप आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको कल्याण ज्वेलर्स का जो है चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप आप देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स का क्या शानदार बना और क्या शानदार रैली और क्या शानदार तेज़ी जो इस शेयर में बनी है। यहाँ पे आप देखते हैं एक तरफा मोमेंटम और एक तरफा रैली जो इस शेयर में बनी है। तो आप लोग जो इस शेयर में बैठे, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है। यहाँ पे आप जो है 800 से 900 प्लस के टारगेट के लिए बैठे, 800 से 900 प्लस के टारगेट आपको जो है कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल जाएंगे, कोई भी कमी आपको जो है कल्याण ज्वेलर्स में देखने को नहीं मिलेगी। 800 से 900 प्लस के टारगेट आपको जो इस शेयर में देखने को मिल जाएंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है, और 800 से 900 प्लस के टारगेट जो आपको इस शेयर में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, कल्याण ज्वेलर्स एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल रहेगा, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है, और 800 से 900 प्लस के टारगेट के लिए आप जो इस शेयर में बैठिए, ये शेयर आपको 800 से 900 प्लस के टारगेट बना के देगा। फेस्टिव सीजन में आ रहा है और इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी रोबस्ट रही है, तो इसमें आपको जो है 800 से 900 प्लस के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, कोई भी कमी आपको जो इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको 800 से 900 प्लस के टारगेट बना के देगा। तो बाकी कोई भी अपडेट आप स्टॉक्स रिलेटेड हम आपको बता देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।